श्रोमणी यूथ अकाली दल की आज चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा बुलाई गई मीटिंग में शामिल होने के लिए हजारों नौजवानों का काफिला लुधियाना यूथ अकाली दल 2 के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा के नेतृत्व में रवाना हुआ। इस अवसर पर गुरदीप सिंह गोशा ने कहा कि ये मीटिंग युवाओं को लामबंद करने व पार्टी व सरकार की नीतियों कार्यक्रमों में उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के तहत बुलाई गई है, जिसको लेकर युवाओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि युवा ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी है तथा पंजाब का 15 लाख युवा तीसरी बार अकाली दल की सरकार लाकर एक तरफा जीत दिलाने का मन बना चुका है। जो काफिला है सरदार विक्रम सिंह मजीठिया साहब वालों जी सदी की मीटिंग चंडीगढ़ के जा रहा, मैं समझता कि जी 2017 की जी जित है अज दी जी नीह रखिया जा रही है, जो तुम देख सकते हो हजारों की गिनती से जो नौजवान जा रहे हैं उन्होंने एक मन के चाह बनया हो सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब का, सरदार विक्रम सिंह मजीठिया साहब का, क्योंकि हर बंदे को पता कि अज पंजाब दे विच जे वड्डे पद्धर ते जे विकास होया ते सिर्फ पंजाब सरकार अकाली दल सरकार ने किया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम जो नौजवान जो सा 15 लाख की गिनती जी नौजवानों की पंजाब विच पहुंच चुकी है, क्योंकि नौजवानों रीढ़ की हड्डी मनिया जाता, तो उम्मीद करते हैं कि नौजवानों का जो हड़ है यह आने वाले 2017 च कल जित नहीं एक तरफा जित की जी नींह रखी गई करेगी जी। ये यूथ में जो लामबंद किया जा रहा है कि यूथ के मोटीवेशन करने वास्ते यूथ दी पॉलिसियां दसिया गई जिहड़ियां सरकार दी प्राप्तियां उहदी जी अवेयरनेस वास्ते एक मीटिंग सद्दी गई है उत्थे, ते मैं उम्मीद करता कि लोगों के जो नौजवान सीख के घर घर तक नीतियां पहुंचाएंगे।